तो वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी किसानों की हड़ताल सरकार के लिए आफत बन गई है। शिवसेना हड़ताली किसानों के साथ खड़ी हुई है। आज मंत्रिमंडल की बैठक थी, इस बैठक में शिवसेना के मंत्री शामिल नहीं हुए। खबरें यहां तक आ रही हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी मिड टर्म इलेक्शन की भी सोच रही है। तो आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक थी। किसानों की हड़ताल को लेकर बीजेपी शिवसेना में दरार नजर आ रही है। इस कैबिनेट बैठक में शिवसेना के जो नेता हैं वो शामिल नहीं हुए। वसीम अंसारी हमें और जानकारी देंगे। वसीम, किसानों की हड़ताल को लेकर बीजेपी शिवसेना में दरार सामने है, तस्वीर क्लियर है, शिवसेना के मंत्री इस कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए, इस मुतालिक और क्या जानकारी, बैठक में क्या कुछ हुआ? वसीम, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी, आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक थी वसीम। शिवसेना बीजेपी में तकरार जो है वो साफ नजर आ रही है किसानों के मसले पर, और क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी? देखिए, जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी दोनों के बीच आपसी मतभेद है वो साफ तौर पे दिखाई देने लगे हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर अक्सर शिवसेना बीजेपी पर दबाव बनाती रही है। इससे पहले भी देखा गया है, कई बार अधिवेशन के दौरान भी किसानों के मुद्दे पर अलग थलग दिखाई दी है बीजेपी और शिवसेना अलग नजर आ रही है। जिस तरह से आज पूरे राज्य भर में लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान आक्रामक है, और जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं कि कर्ज माफी की जाए, उसे लेकर लगातार जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, ऐसे वक्त में शिवसेना उनके समर्थन में खड़ी हो चुकी है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये एहसास दिला रही है बीजेपी को कि किसानों के साथ है। मंत्रिमंडल की आज बैठक थी, इस बैठक में शिवसेना के जितने वरिष्ठ मंत्री थे वो पहुंचे लेकिन बैठक में शामिल नहीं हुए। लगातार उनकी यही मांग है कि बीजेपी सरकार किसानों के लेकर कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण डिसीजन ले ताकि किसानों को राहत मिले। जिस तरह से लगातार बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि पिछले 3 सालों में 9,500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है, और जिस तरह से किसान सूखाग्रस्त होने की वजह से या फिर आपातकालीन स्थिति में किसी भी स्थिति में आके या फिर उनके लिए जो पॉलिसी है। बिल्कुल वसीम, हम एक मध्य प्रदेश की तस्वीर देख ही रहे हैं कि किसान के आंदोलन के बाद अब क्या कुछ हो रहा है। स्थिति खराब होती जा रही है। अब यहाँ भी बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र की सरकार भी जल्द से जल्द किसानों की मांग को लेकर कोई डिसीजन ले, उससे पहले कि हालात खराब हो महाराष्ट्र में। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस जानकारी के लिए। आखिर शिवसेना कैबिनेट की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुई, ये जानने के लिए हमने शिवसेना के मंत्री सुभाष देसाई और दिवाकर से खास बातचीत की है। मंत्रिमंडल की बैठक से शिवसेना नदारद रही है, और ये जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पे बैठे हुए, मंत्रिमंडल की बैठक से बाहर आने की वजह क्या है? आज मंत्रिमंडल बैठक में शिवसेना के कोई मंत्री महोदय उपस्थित नहीं रहे। उसके पूर्व हमने मुख्यमंत्री जी से भेंट की और उनको शिवसेना की जो भूमिका है स्पष्ट रूप से सामने रखी है। जो कर्ज माफी का विषय चल रहा है, ये कर्ज माफी पूरी तरह से होनी चाहिए। सारे किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलना ही चाहिए। किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, क्यों हड़ताल कर रहे हैं, यह सवाल सरकार ने खुद को पूछना चाहिए। शिवसेना को साथ में लेकर के ये सवाल अगर हल करते हैं तो शिवसेना उसमें ज़रूर सहयोग देगी। पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी की सम्मति के बिना आगे बात नहीं बढ़ सकती, यह भी हमने स्पष्ट किया है। दिवाकर रावती जी, सर, जिस तरह से देखा गया है कि बाहर से विपक्ष आरोप भी लगा रहे, एक तरफ सत्ता में बैठना, दूसरी तरफ से आंदोलन करना, बाहर आना, ये आप ही लोगों से सब जगह बोला जाता है, क्यों बाहर नहीं निकलते, क्यों बाहर नहीं निकलते? सवाल ऐसा है कि हम सत्ता में है, और अगर माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये ये जो सत्ता है ये सब किसानों के साथ है, तो हम सब किसानों के साथ होने के नाते माननीय उद्धव जी गए 1 साल से किसानों के साथ रिश्ता रखते हुए, उनकी दुख दर्द जानते हुए, उनको मदद करते हुए कर्जा माफ़ी के बारे में उन्होंने आक्रामकता ली है, और हमारा अभियान चालू है कर्जा माफ़ी का कि मैं कर्जा मुक्त हो जाऊँगा। तो इस अभियान के बारे में हमारा भी कुछ ख्याल होगा। तो अगर इस सत्ता को
किसानों को अगर कर्ज माफी देना है या कर्ज मुक्ति करना है तो हमारी भी कुछ राय होगी, तो उसका भी उन्होंने विचार करना चाहिए। ये हमारा आग्रह है और ये हमने आज माननीय मुख्यमंत्री के सामने रख दिया है। जितने भी नेतागण है वो सारे यहाँ मौजूद है, उनका साफ तौर पर ये कहना, जिस तरह से मंत्रिमंडल की बैठक हुई, शिवसेना को नजात किया गया, उनकी जो बातें वो अलग की गई, जिसकी वजह से उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक से दूरी बनाई। मुंबई से संजू यादव के साथ वसीम अंसारी, जी मीडिया।